हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एजुकेशनल रेंजर्स वेयर देयर इज़ नो रेंज ऑफ लर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास टेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ मिल सकें सो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेटस स्टार्ट द चैप्टर our first topic is light light is a form of energy which help us to see object light energy ka ek roop hai jo hame kisi object ko dekhne mein madad karti hai when light falls on object it reflect the light and when reflected light reaches our eye then we see the object जब light किसी object से टकराती हैं तो वो light वहाँ से reflect होकर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं और फिर हम उस object को देखते हैं द थर्ड पॉइंट इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन लाइट हमेशा सीधे रास्ते से चलते हैं द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई मिररर एनलेंसेज ब्रेनिंग ऑफ लाइट बाई मीडियम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फॉर्मेशन ऑफ रेनबो लाइट के कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे शेडोज़ का फॉर्मेशन लेंसेस और मिरर से इमेजेस का फॉर्मेशन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उनके पाथ में बेंडिंग, तारों का टिमटिमाना इंद्रधनुष बनना ये सभी लाइट ओके लाइट के कुछ कॉमन फिनोमिन हैं आप लोग डायग्राम एक देख सकते हो टॉर्च से जो प्लेन मिरर में लाइट भेजा जाता जा रहा है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ग्लास में आप देख सकते हो पेंसिल में जो लाइट है उसके वजह से वो बेंडिंग हो रहा है यहाँ रेनबो का फॉर्मेशन है प्रिज्म से स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सारे फिनोमिना ऑफ लाइट है आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द बाउंसिंग पैक ऑफ लाइट इनटू टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चला जाता है तो इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और मान लीजिए अगर लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाकर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टकराने के बाद लाइट वापस उसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में चला आता है अब यहाँ पर बच्चों आप तीन तरह का रे देख सकते हो एक आपका इंसिडेंट रे है और रेड कलर से जो दिखाया गया वो आपका नॉर्मल है और आपका रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रेज आर दोज रेज विच केम फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टूअर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके इंसिडेंट रे ऐसे रे होते हैं जो सोर्स से किसी लाइट के सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ आते हैं नॉर्मल इज़ एन इमेजनरी लाइन विच इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लैक्टिंग सर्फेस नॉर्मल एक इमेजनरी लाइन है जो रिफ्लैक्टिंग सर्फेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ओके okay? और रिफ्लैक्टेड रेस आर दो रेस विच केम आउट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आफ्टर द रिफ्लैक्शन ओके नाउ द एंगल बिटवीन इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड द एंगल Between the normal and reflected ray is the angle of reflection. Okay, hope it is clear. Now, the next topic is laws of reflection. There are two laws of reflection that is, first one is the angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is, angle I is equal to angle R. पहला लॉ क्या कहता है बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है द सेकेंड एंगल स्टेट डेट द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइ इन द सेम प्लेन ओके तो सेकेंड लॉ कहता है बच्चों कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सभी एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं एक ही प्लेन का मतलब एक ही सरफेस में मौजूद होंगे जो आप सेकेंड डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रियल सॉरी इमेजेस तो इमेज क्या होता है द पिक्चर विच इज ऑपरेन ड्यू टू सर्टेन फेनोमिना ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड इमेजेस जो पिक्चर्स अपटेन किए जाते हैं लाइट के कुछ फिनोमिन के वजह से जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से या फिर रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट के वजह से या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से जो पिक्चर्स हमें मिलते हैं उन्हें हम लोग इमेजेस कहते हैं इमेजेस आर ऑफ टू टाइप दैट इज़ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज रियल इमेज इज़ फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज रियल इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के वास्तविक इंटरसेक्शन के कारण बनता है वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म ड्यू टू वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज वर्चुअल इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के वास्तविक इंटरसेक्शन के कारण नहीं बल्कि रिफ्लेक्टेड रे को वर्चुअली इंटरसेक्ट कराना पड़ता है ओके रियल इमेज इज़ ऑलवेज़ इन्वर्टेड रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है वाइल्ड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है रियल इमेज कैन बी ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन वाइल्ड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जब आप किसी फिल्म को देखते हो तो फिल्म किसी पर्दे या स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो उस दौरान जो इमेज बनता है वो इमेज आपका रियल इमेज होता है और जब आप प्लेन मिरर में देखते हो तो आपका इमेज मिरर के पीछे बनता है इसलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज होता है ओके होप इट इज क्लियर अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर फ्रेंड्स अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमें कम से कम दो इंसिडेंट रे की ज़रूरत होगी ताकि उसके रिफ्लेक्टेड रेज को इंटरसेक्ट करा सकते हैं और फिर हमें रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन के कारण उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाएगा ओके okay? सपोज आपके पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है और हमें इसका इमेज बनाना है तो सबसे पहले आपको दो इंसिडेंट रे लेना होगा और उसके रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट कराना होगा तो इसके लिए हमने अपना पहला इंसिडेंट रे पॉइंट ए से सी पर ले लिया ओके okay? ये आपने पहला इंसिडेंट रे ले लिया। अब हमें पॉइंट सी पर एक नॉर्मल करना पड़ेगा, जो कि प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर होगा अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करके एंग उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार करके हमें रिफ्लेक्टेड रे बनाना पड़ेगा तो ये जो थीटा आप एंगल देख रहे हो उतना ही थीटा एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल मेजर करके आपको रिफ्लेक्टेड रे बनाना पड़ेगा अब दूसरा इंसिडेंट रे पॉइंट ए से ई e के तरह डायरेक्शन में लेंगे ओके ई e के डायरेक्शन में लेंगे अब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराया है उसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए अब आप देखेंगे कि नॉर्मल इंसिडेंट रे के ऊपर ही बनेगा इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा इसलिए रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी रास्ते से चला जाएगा ओके अब अब आप अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जो पहला रिफ्लेक्टेड और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे वास्तविक रूप से कभी नहीं मिलेंगे अब हमें रिफ्लेक्टेड रे को बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करना होगा तो इसको और इसको हमें बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करना होगा ऐसा करने से दोनों रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ई पर मीट करेंगे और यहीं पर हमारा इमेज जो ई डी है मिल जाएगा ओके okay? तो फ्रॉम द एव फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इमेज uh, बनते हैं प्लेन मिरर से वो हमारे वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं आइए पढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर द इमेज इज़ इरेक्ट ओके इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज इरेक्ट सीधे होते हैं द इमेज इज़ सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का होगा

वर्चुअल बनेगा आप लोग डाइग्राम में अच्छे से ध्यान से देखिए एंड फिफ्थ पॉइंट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड इट मीन्स दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द राइट एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट और इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ियों में जो एम्बुलेंस लेटर को लेटरली इन्वर्टेड लिखते हैं ताकि जब उसका इमेज दूसरे व्हीकल के मिरर से बने तो सीधा बने नाउ स्टूडेंट लेटेस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इस्फेरिकल मिरर इस्फेरिकल मिररर इज़ अ करव मिररर विच इज़ अ पार्ट ऑफ होलो इस्फेयर एंड इस्फेरिकल मिररर आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज कनके मिरर एंड कन्वेक्स मिरर जिस मिररर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो और वो किसी होलो इस्फेयर का पार्ट हो तो ऐसे मिरर को हम लोग इस्फेरिकल मिररर कहते हैं अब ये स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं एक कॉनकेव और दूसरा कन्वेक्स कनकेव मिरर ऐसे स्फेरिकल मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है ओके और हम लोग कन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर मिलते हैं और इसी पॉइंट को हम लोग फोकस भी कहते हैं। Let us see. आप लोग देख देख सकते हैं ये देखिए पैलर रेज आया और रिफ्लेक्शन होने के बाद सभी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं और इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं अब नाउ इट कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स इट इज अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसिस इज कर्व इनवर्ड सॉरी कर्न आउटवर्ड होना चाहिए आउटवर्ड ओके okay? तो कन्वेक्स मिरर ऐसे स्पेरिकल मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है ओके okay? और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद सभी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट से डाइवर्ज होते प्रतीत होते हैं और उसी पॉइंट को कन्वेक्स मिरर का फोकस भी कहते हैं अस सी ये देखिए आपका पैर रेज आए और उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि वो एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं ओके इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं नाउ स्टूडेंट टर्म्स विच इज यूज टू स्टडी द स्फेरिकल मिरर कुछ कॉमन टर्म्स को देखते हैं ओके सबसे पहला जो हमारा इस डाइग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए इसमें जो पी पॉइंट है वो आपका पोल है एफ जो है वो फोकस है सी जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ओके और एक्स वाई जो लाइन आप देख रहे हैं दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर किस कहते हैं जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं ओके अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर पार्ट है ओके okay? जिसका ये मिरर पार्ट है उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सॉरी स्वेट वेट नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का रेडियस होता है जिसका ये मिरर पार्ट है ओके नाउ पोल क्या होता है पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्व्ड मिरर, ओके ये जो कर्व मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल कहते हैं ओके okay? उसे हम लोग क्या कहेंगे पोल कहेंगे नाउ प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ करवेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस तो आप देख रहे हो जो एक्स वाई लाइन है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को ज्वाइन कर रही है या दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही हैं ओके दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस फोकस क्या होता है फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम लोग फोकस कहते हैं ओके नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट केस इज इन कनकेब मिरर एरिया ऑफ लाइट पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आती हैं तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करती हैं कनकेव मिरर के केस में और इन कन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस कन्वेक्स मिरर के केस में जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो फोकस से होकर के गुजरती हैं लेटस सी ये देखिए आपका इंसिडेंट रे आया और फिर रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास हो गया कन्वेक्स मिरर में देखते हैं ये आपका इंसिडेंट रे आया और फिर इंसिडेंट होने के बाद फोकस से ऐसा लग रहा है कि पास हो गया ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल इन अ कन्केव मिररर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस सॉरी एंड इन कन्वेक्स a रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड toward द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन goes parallel टू द प्रिंसिपल एक्सिस Concave mirror के केस में जब incident रे फोकस से पास करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के parallel हो जाते हैं और कन्वेक्स मिरर के केस में जब इंसिडेंट रे लगता है कि फोकस की तरफ जा रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं आइए देखते हैं ये देखिए है। आपका इंसिडेंट रिफोकस से आया और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के और कन्वेक्स के मिरर के केस में ऐसा लग रहा है फोकस की तरफ आ रहा है फिर रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया ओके अस मूव टू द नेक्स्ट केस दैट इज़ थर्ड इन मिरर, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करवेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन ओके। मिरर के केस में जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं ओके एंड इन कन्वेक्स मिररर रे ऑफ लाइट Directed डायरेक्टेड the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. Okay? और कन्वेक्स मिरर के केस में जब इंसिडेंट रे लगता है कि सेंटर ऑफ़ करवेचर की तरफ जा रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं लेटस सी ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में आया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी रास्ते से वापस चला गया कन्वेक्स मिरर के केस में देखिए ये लग रहा है सी की तरफ आ रहा है और फिर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते से वापस चला गया ओके okay? और बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि और दोनों मिरर में इस केस को याद रखना है कि जो इंसिडेंट रे होता है वो इस मिरर का नॉर्मल भी होता है इसका मतलब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के किसी भी पॉइंट को एक लाइन से जोड़ेंगे तो वो लाइन उस मिरर का नॉर्मल होगा ओके होप इट इज क्लियर द फोर्थ केस इज इन अ कन्केव और कन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सेस ओके okay? अगर इंसिडेंट रे कन्वेक्स या कनकेव मिरर के पोल पर कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाकर प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड से पास करेंगे अस सी ये देखिए आपका इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पर स्ट्राइक किए कुछ एंगल बना करके फिर इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी सेम एंगल बना करके प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड से रिफ्लेक्ट हो करके के चले जाएंगे ओके गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक like करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए गाइस अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस के बारे में स्टडी करेंगे थैंक यू गाइस हैव नाइस डे बाय बाय